समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की और जैसे जैसे ये खबर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में फैल रही है, लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आवास पर समर्थकों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली काफ़ी दूर है बलिया से, लेकिन नेताजी में इतनी बड़ी आस्था है, क्योंकि नेताजी का जन्म भले ही टावर से फै हुआ हो, लेकिन उनका दिल बलिया बसता था और बलिया में उनका एक बहुत रिश्ता दिल का है। सुनने के बाद हमने रहा नहीं क्या, बहुत साथी हमारे ये भी समन यादव जी हैं, भी बलिया से आए हैं, ये भाई साहब इटावा से हैं, तो हम लोग बलिया से आए हैं और यही कामना करते हैं कि नेताजी पहले से फिर से स्वस्थ होकर आएँ। और हम लोग अखिलेश भैया से मिले आज, चेहरे पर उदासी थी, दिल घबरा रहा है उस उदासी देख के। हम यही चाहते हैं खुदा से, ईश्वर से, कि आज नेताजी के स्वस्थ हो जाए, ताकि अखिलेश भैया फिर से पहले की तरह मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाए। हम लोग पूरे देश प्रदेश से जितने भी समाजवादी समर्थक हैं, जितने भी नेताजी को चाहने वाले लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहने वाले लोग हैं, सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि बस हमारे नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द नेताजी हमारे स्वस्थ होकर पुनः हम लोगों को संरक्षक देने का काम करें। बस इतना ही। तबीयत ठीक नहीं, स्वास्थ्य खराब है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चेहरा उतरा हुआ। पहले हसमुख होते थे, वैसे हसमुख नहीं है। भगवान से दुआ करता हूँ कि पहले जैसे माननीय नेताजी का स्वास्थ्य जल्द जल्द स्वस्थ हो और पहले जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हसमुख आए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव का हालचाल लेने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री मुलायम सिंह यादव जी की अस्वस्थता का समाचार आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आगरा में था, आज वैसे भी दुर्गाष्टमी है। मेरे राजनीतिक गुरु रहे, राजनीति में बहुत कुछ उनसे सीखा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आए, ऐसी में काम। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन रविवार को उनके ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। डॉक्टर नरेश त्रेहान और सुनील कटारिया की देखरेख में मुलायम सिंह यादव हैं। देश भर के तमाम लोग मुलायम सिंह यादव के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।